बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए मक्की के आटे की रोटी लेके आया हूँ, वो भी बगैर आटा गूंदे, बगैर पेड़ा किए और बगैर रोटी को बेले। बहुत आसान तरीका होगा। और साथ ही साथ एक और रेसिपी है, मेरी अम्मी कैसे बनाती है मक्की के आटे की रोटी, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगा और वो अपने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपसे शेयर करेंगी। तो दोनों वीडियो को देखिएगा, ये एक ही वीडियो में आपको दोनों रेसिपीज मिलेंगी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने प्यारे से बाउल में एक कप लेंगे हम मक्की का आटा और ये आपने बारीक वाला लेना है, ठीक हो गया। अब नीम गरम हल्का सा दूध लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। इसमें अभी काफ़ी चीज़ें जाएंगी, वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। चलें जी, नीम गर्म करने का ये फ़ायदा है कि ये आटा नरम हो जाता है, जिससे जो रोटी है वो टूटती नहीं बनाते हुए। चलें जी, अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और एक अंडा, तो ब्रेकफास्ट में ये यूज़ होते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए अंडा बहुत ज़रूरी है ब्रेकफास्ट में। तो मिक्स कर देंगे, ये लें जी। अब थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने जो कंसिस्टेंसी रखनी है, जो इसका गाढ़ापन रखना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलें जी, अच्छे से मिक्स कर दें। ये देखें, ये होना चाहिए, ना इससे पतला ना इससे गाढ़ा। तो हाफ टी स्पून या 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दें टेस्ट के लिए। और यहाँ पे हमारा ये बैटर माशाल्लाह से तैयार है, ये देखें जी। चलें, इसको साइड पे करते हैं। अब चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने प्यारे से पैन में हल्का सा कुकिंग ऑयल लेंगे एक चम्मच, उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से आपने फैला के बैटर को पोर करना है और गुलाई का ध्यान रखना है, बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि खूबसूरती जो है खाने में बहुत अहम रोल अदा करती है। तो जब भी आप बनाया करें कोई भी चीज़, खूबसूरती के ऊपर पूरा ध्यान दिया करें। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएंगे, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। चलें जी, आपने इसको बिल्कुल हिलाना नहीं जब तक ये थोड़ा सा पक ना जाए, ठीक है। ये देखें, अब एक बारीक स्पैचुला से आपने इसको सेपरेट कर लेना। ये देखें, ये मूव हो रहा है, मतलब हम इसको पलट सकते हैं। तो इसको अब हम पलट देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लें जी। तो माशाल्लाह देखें जी, कितना खूबसूरत कलर आया है। तो अब हम इसके ऊपर मक्खन, ऑयल, घी, जो भी आप लगाना चाहें, जो भी अवेलेबल हो लगा सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें जनाब, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। तो ये भी एक तरीका है मक्की की आटे की रोटी बनाने का, उन लोगों के लिए, उन खासकर लड़कियों के लिए जिनको ये बिल्कुल बनानी नहीं आती। और आगे से आगे दूसरी रेसिपी भी है कि अम्मी मेरी कैसे बनाती हैं, उसको आपने देखना बिल्कुल नहीं भूलना। तो इनको हम पका लेंगे दोनों तरफ से अच्छी तरह से, कि कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान। अब दूसरी रेसिपी भी शुरू होने वाली है, इसके ऊपर हम रख देते हैं साग को और रख देते हैं मक्खन को। तो ये आप सबकी दोस्तों, आज मैं और मेरी अम्मी दोनों मिलके बनाने लगे हैं मकई के आटे की रोटियां, बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी। और आपको अम्मी सीक्रेट्स बताएंगी किस तरह से ये अच्छे से आप बना सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। तो अस्सलाम वालेकुम, आज अस बनाने लगे मकई के आटे की रोटी। इजाज़ को बहुत पसंद है मेरे बेटे मकई के आटे की रोटी। तो मकई के आटे की रोटी बनती है बरीक आटे की, मोटे की नहीं, मोटे की पकाएगी तो फिर सही नहीं बनती रोटी, फिर पार जाती है। तो जी ना, इस कणक का आटा ना मिलाओ, कणक का आटा मिलाइए तो फिर रोटी मज़ेदार नहीं बनती। और पानी जो है, गर्म पानी है ना जो, थोड़ा तो पाई जाओ तो मली जाओ, मले के बड़े सोहना आटा बन जाता, आटे की फिर लेड़ बन जाती। कितनी देर आटा गुनना? तो बस 5 मिनट, बहुत ही देर नहीं, 5 मिनट तुम चंगी तरह मल मल गुन्नी जाओ तो बड़ी सोहनी रोटी बन जाती है। इन्हें लिए बेलना इस्तेमाल करोगे? नहीं, बेलना नहीं, बेलने हाँ। नाली बनती है, वैसे हथने लिए बनती है। मेरी अम्मी का माशाल्लाह बहुत तजर्बा है, ये हाथों से ही पराठे और सब चीज़ें बना लेती है और हमने इन्हीं से सारी कुकिंग आज तक सीखी है। तो बेलने तो बनाइए फिर नाल जुड़ जाती है। माँ जी, तुसी किन्ने कोलों सीखी है? अपनी अम्मी को, मेरी अम्मी बनाती सी, मेरी नानी जी सी बहुत ही वड्डी वड्डी रोटी बना लेनी सी, बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, तो बड़ी वड्डी वड्डी पका ली। मेरी अम्मी जी ना बहुत पसंद सी रोटी मकई दी, मकई दी हाँ। तो आटा जरा खास करके मोटा नहीं लैना, आटा मकई का बरीक होगा तो बड़ी मज़ेदार रोटी बनेगी। तो ना तुम बिच पाना है कणक का आटा, कणक के आटे ना रोटी का मज़ा ही नहीं रहा, फिर सख्त जी बनती है, खाने से मज़ा नहीं आता। और डाल्टा घ्यो या देसी घ्यो दे नाल ही मज़ा देती, ऑयल ना नहीं, तेल ना नहीं, डाल्टा घ्यो ला लो,
देसी ला लो, मक्खन ला लो, जो मर्जी लाओ, तो बड़ी मज़ेदार रोटी बनती है। इंदा आटा गुन के रखा नहीं जा सकता? नहीं, इंदा आटा गुन के नहीं रखा जा सकता, ये नाल नाल ही गुन्नी दा ते नाल नाल ही पकाई दा। तम जिन्हिया मर्जी रोटियां पकाओ, आगे थे नॉर्मल रखनी, तेज नॉर्मल नहीं, तेज नहीं, तेज रोटी ना सड़ जाती है, तो सड़ी रोटी ना बिचू कच्ची रहती है, यानी कि ऊपरों जल जाती है और अंदर से वो कच्ची रह जाती है। आराम नहीं पके, थोड़ी लाइट दे फिर सही बनती है। तो ये देखें जी, बहुत मज़े की हमारी मकई की रोटी बन रही है। अगर आप इसको इस तरह बनाएंगे तो ये अंदर जब आप इसको खाएंगे तो बिल्कुल मक्खन जैसी अंदर से निकलेगी। तो अम्मी ने जो बातें बताई हैं उनमें ये, एक तो आपने इसमें गंदम का आटा ऐड नहीं करना, प्योर मकई का आटा लेना है। दूसरी बात, इसमें आप गर्म पानी के साथ इस आटे को आपने गूंदना है 5 से 6 मिनट, और ये बड़ी का आटा आपने लेना है बिल्कुल। तो ये देखें तकरीबन एक आध मिनट एक साइड ले रही है और बहुत ही मज़ेदार हमारी जो है मकई की आटी, मकई की रोटी तैयार होने वाली है। तो इसके साथ कल मैंने आपको साग बनाना सिखाया था, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा कैसे बनता है। और हमारी ये रोटी माशाल्लाह से तैयार है, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितनी खूबसूरत मकई की रोटी हमारी तैयार है। तो इसको हमारे पास ये साग जो मैंने कल बनाया था, सरसों का साग, इसको गरम करते हैं। और ये है आप सब के लिए मेरी और मेरी अम्मी की तरफ से मकई की रोटी और सरसों का साग। तो देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत हमारी जो लुक है वो आई है रोटी की, ना जली हुई है ना कच्ची है, और ये अंदर तक पकी हुई है। और जिसको जब आप इसको खाएंगे ऐसे बना के, तो यकीन करें आपके दिल से दुआएं निकलेंगी और आपका दिल खुश हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जाते हुए मेरी अम्मी आपको बताना चाहेंगी इस रोटी के बारे में कि रोटी बहुत ही मज़ेदार है, तुसी पकाओ ते खाओ ते तनु मज़ा आएगा। चलें जी, अम्मी कह रही हैं तो एक दफ़ा ज़रूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरी अम्मी की रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।